गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आ गया मैं फिर से आपके सामने अपने पुराने वाले ही पार्ट्स को लेकर। और आपको पता है आज मेरा पार्ट है सेंटेंस का पार्ट थ्री, और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं सेंटेंस के पार्ट को। सेंटेंस पार्ट थ्री में चलेगा सेंटेंस का पार्ट। तो मैंने पिछली बार जो अपने पिछली वीडियो यानी पार्ट टू में जो डिस्कस किया था, वो हमारा था डिस्कशन में टाइप ऑफ सेंटेंस। तो टाइप ऑफ सेंटेंस में हमने बातें करी थी असर्टिव सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, इंपरेटिव सेंटेंस की, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस की और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की। हालांकि मैंने इस बात को कंप्लीटली बताया नहीं था, ठीक है ना। तो इस चीज को मैं पार्ट ऑफ सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद एक बार फिर से इस पे आऊंगा और इनको डीपली डिफाइन करूंगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करता हूं असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है अफर्मेटिव, जिस बात को मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, और इसका दूसरा पार्ट होता है नेगेटिव, ठीक है। यानी कि अफर्मेटिव का मतलब जिस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं वो अफर्मेटिव में रखा जाता है, और जिस बात को आप अस्वीकार करते हैं यानी कि नकार देते हैं वो असर्टिव सेंटेंस में, वो दोनों के दोनों असर्टिव में ही आते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूं कि मैं घर जाता हूं, तो ये बात मेरा स्वीकारात्मक बात है, लेकिन मैं बोला मैं घर नहीं जाता, ठीक है, तो ये मेरा निगेटिव बात है। पहला वाला मैं घर जाता हूं, मैं अफर्मेटिव है, मैं घर नहीं जाता, ये निगेटिव है, लेकिन ये दोनों है तो है असर्टिव सेंटेंस। अब इस बात को अगर मैं ऐसे पूछूं कि मैं घर क्यों जाता हूं, क्या मैं घर जाता हूं, इस तरीके से अगर पूछा जाए तो ये इंट्रोगेटिव होगा। इंपरेटिव की अगर बात करी जाए, और एक्सक्लेमेटरी की बात करी जाए, और ऑब्जेक्टिव की बात करी जाए, तो इसमें इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वो आदेश सूचक होता है, ठीक है ना। जैसे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, गो आउट, प्लीज सिट डाउन, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो इंपरेटिव होते हैं। अगर मैं एक्सक्लेमेटरी की बात करूं तो एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंस विस्मय की बात करते हैं, तो विस्मय वाले जो वर्ड्स होते हैं जैसे कि एलॉस, ओ माय गॉड, ठीक है ना। इसके लिए मैं एग्जांपल सुनी तो अच्छे अच्छे दूंगा। और अंत में आ जाता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है इच्छा सूचक, गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड, ठीक है, इस तरीके की बातें आती है। तो आइए इस पे जाकर बहस न करते हुए आते हैं अपने उस चीज पे जिसको कि हमें जरूरत है। ओके, तो अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को। तो सेंटेंस के दो जनरली पार्ट होते हैं, वो दो होते हैं, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। अब पहला पार्ट क्या होता है, पहला होता है सब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या होता है, प्रेडिकेट, ठीक है ना। तो चलिए आइए थोड़ा थोड़ा मैं सब्जेक्ट को भी और प्रेडिकेट को भी दोनों को डिफाइन कर देता हूं। डिफाइन तो मुझे दोनों को ही करना है, तो आइए जरा सा एक बात आते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, इस चीज को मैं बताने वाला हूं। जनरली जब मैं पढ़ाता हूं तो सब्जेक्ट का जो मतलब बताया जाता है वो होता है डूअर, ठीक है ना। इसका एक और हिंदी मतलब बताया जाता है कर्ता, एक और मतलब बताया जाता है करने वाला, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इनका, तो ये अगर बेस को लेकर चला जाए कि बच्चों को फार्मूला सिखाने के तरीके से, ट्रांसलेशन के तरीके से, तो ये कुछ हद तक सही होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर रियलिटी बात करी जाए तो सब्जेक्ट का मतलब डूअर नहीं होता। आप सेंटेंस में उसके वर्ब से क्वेश्चन पूछिए, वर्ब से क्वेश्चन पूछिए, और क्वेश्चन पूछिए हु, अगर इसका जवाब मिल गया तो जो इसका जवाब होता है वही सब्जेक्ट होता है। अगर इसका जवाब नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप दूसरा फिर से पूछिए व्हाट वी टॉक अबाउट, व्हाट वी टॉक अबाउट, यानी कि उस सेंटेंस में किसके बारे में बात करी जा रही है। अगर ये इसका जवाब मिलेगा, किसी भी सेंटेंस में अगर आप बात करते हैं तो हर एक वाक्य किसी न किसी चीज के बारे में ही बातें करी जाती है, किसी भी वाक्य में किसी न किसी चीज के बारे में ही बातें करी जाती है। तो जब भी आप इस बात को पूछेंगे, अगर हु के अलावा भी अगर इसकी बात पूछते हैं तो भी हु का जवाब इसमें भी मिल जाएगा, ठीक है ना, और अगर हु का पूछते हैं तो डायरेक्टली मिल जाएगा। आइए इस बात को हम जरा सा एग्जांपल से समझते हैं। एक मैं एग्जांपल आपके सामने नोट करता हूं यहां पे बोर्ड पे कि राम गोज टू मुंबई, राम जो है वो मुंबई जाता है, ठीक है। अब यहां पे जो वर्ब इसे क्वेश्चन पूछे हु गोज टू मुंबई, कौन जाता है, तो इसका जवाब तुरंत मिलेगा राम, यानी कि यहां पे जो आपका डूअर है
वो राम हो गया। डूअर का मतलब करता, करता का मतलब करने वाला, ठीक है ना। तो जो करने वाला है यानी कि वहां पे जाने का काम कौन कर रहा है, राम। तो अगर हम सब्जेक्ट को यही मान करके चलते हैं तो एक और मैं सेंटेंस लिखता हूं, राम इज अ गुड बॉय। अब यहां पे राम तो कोई काम नहीं कर रहा, यहां पे जो आपका वर्ब है वो तो ही है ना, लेकिन वर्ब है तो इसमें आप वो तो कोई काम नहीं कर रहा है। जब भाई ये कोई काम नहीं कर रहा है तो आप जब इसको इससे क्वेश्चन पूछेंगे कि इसमें कर्ता कौन है, तो कर्ता का मतलब करने वाला डूअर, और इसमें राम तो कोई काम ही नहीं कर रहा है। राम के बारे में उसके उसके बारे में उसके कॉम्प्लीमेंट के बारे में बातें हो रही है कि राम एक अच्छा लड़का है, तो इसमें भी सब्जेक्ट राम है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि ये काम करते हैं लेकिन एक हद तक काम करने के बाद फिर अपने काम को करना बंद कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे जो राम है, अब यहां पे वर्ब के बारे में फिर पूछे हु, ठीक है, कौन मतलब हु इज अ गुड बॉय, कौन अच्छा लड़का है, तो तुरंत आपको जवाब मिलेगा राम अच्छा लड़का है। तो यहां पे अब ये राम कौन सा क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा सेंटेंस में, सेंटेंस का कौन सा पार्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए एक और इक्वेशन पूछते हैं, मैं लिखता हूं वॉकिंग इज यूजफुल, टहलना लाभदायक है। तो अगर मैं बात यहां पे करता हूं करता, सब्जेक्ट का मतलब करता होता है, तो इसमें आपको पता है कि वॉकिंग जो है वही करता है, ठीक है। सेंटेंस को देखकर आप बोलेंगे, प्रेडिकेट नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, वॉकिंग ये कहेंगे कि सर यही करता है। तो अगर ये करता है वॉकिंग इज यूजफुल, तो आप जरा सा इस पार्ट के अनुसार ये बताइए कि ये वॉकिंग कौन सा काम कर रहा है, वॉकिंग इज यूजफुल ये बताया जाए इसमें कि टहलना लाभदायक है। टहलना काम कौन सा कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो ना तो ये करने वाला है, ना कोई डूअर है, ना करता है। तो अब जरा सा इसमें हु क्वेश्चन पूछिए, वॉकिंग इज यूजफुल, कौन यूजफुल है, तो जवाब मिल जाएगा वॉकिंग यूजफुल है। लेकिन अगर यहां पे आप इसकी बात करते हैं, व्हाट वी टॉक अबाउट, किसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात होती है वही सब्जेक्ट होता है। तो यहां पे बात हो रही है टहलने के बारे में। अगर दूसरे में पूछा जाएगा व्हाट वी टॉक अबाउट, किसके बारे में बात हो रही है, तो ये होगा राम इज अ गुड बॉय, बात राम के बारे में हो रही है, तो यहां पे राम सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर अगर पूछा जाएगा कि मुंबई कौन जाता है, व्हाट वी टॉक अबाउट, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं राम के बारे में जो कि मुंबई जाता है, ठीक है ना। तो अगर इस बात को आप कभी भी पूछेंगे व्हाट वी टॉक अबाउट, तो ये जवाब हमेशा आपको देता रहेगा, ठीक है, और हमेशा इस तरीके से आप ये जान जाएंगे कि सब्जेक्ट कौन है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको ये बातें समझा पाया हूंगा। तो आइए अब जरा सा प्रेडिकेट वर्ड पे, तो हमारा जो अगला वर्ड है वो है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट को इतना जान लीजिए कि सब्जेक्ट, अगर किसी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को पहचान लेते हैं तो सब्जेक्ट के बाद आने वाली हर एक चीज प्रेडिकेट होती है, यानी कि वर्ब से लेकर के, वर्ब से लेकर के उसके बाद आने वाली जितनी भी अदर चीजें वो सब की सब प्रेडिकेट होती हैं। इस बात को मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूं, जैसे कि राहुल इज कमिंग हियर, यहां पे बात किसके बारे में हो रही है, राहुल के बारे में, तो राहुल आपका क्या हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन राहुल को छोड़कर, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं, प्रेडिकेट। ये पूरा का पूरा क्या है, प्रेडिकेट। अगर इसमें आप देख सकते हैं तो इसमें आपका वर्ब भी है और अदर वर्ड भी है, तो ये आपका ये भी वर्ब है, ठीक है, और ये आपका अदर वर्ड जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है ना। चलिए अब जरा सा सब्जेक्ट के, अब आते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। हमारा जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं क्वालिफायर, नाउन और प्रोनाउन होते हैं, जो कि हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड होते हैं, मेन वर्ड या हेड वर्ड होते हैं वो वही नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वालिफायर में इंडिटरमिनर भी आते हैं, एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी आते हैं। अगर मान लीजिए इनकेस कोई एडवर्ब भी आता है तो वो एडजेक्टिव से पहले आएगा, ठीक है, न कि नाउन के पहले। आर्टिकल, फिर उसमें हम आर्टिकल भी आते हैं हमारे सब्जेक्ट में, पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोनाउन भी आते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव भी आते हैं, ठीक है ना। अब पॉजिटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव भी आते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन भी आते हैं, और डिमॉन्स्ट्रेटिव सब्जेक्ट में आते हैं, प्रोनाउन भी और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी आते ही हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। तो आइए इन सब के होने से पहले जरा सा मैं एक बार नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव, ठीक है ना,
और उसके बाद आर्टिकल तो ठीक है, पोजिस्टिव के बारे में थोड़ा सा बातें कर लेते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव के बारे में बातें करते हैं। इतना होने के बाद फिर हम इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। आइए जरा समय बता देता हूं कि नाउन क्या होता है। देखिए नाउन क्या होता है, नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड, यानी कि कोई भी नाम वाला जो शब्द होता है वो क्या होते हैं, वही नाउन होता है। ठीक है ना, नाउन की डेफिनेशन होती है अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। ठीक है ना, यानी कि जो नाउन का मतलब होता है वो होता है किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम या फिर किसी वस्तु का नाम। इस नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, इन्हें ही हम संज्ञा कहते हैं। अब अगर मैं यहां पे ए लगा देता हूं, चलिए आइए, इसका मतलब होगा कोई, इसे का मतलब एक मत समझ लीजिएगा। तो किसी पर्सन के नाम को, किसी प्लेस के नाम को और किसी वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं। यानी कि इतना तो हमें इस डेफिनेशन को पढ़कर समझ में आ ही गया होगा कि सिर्फ नाम को ही हम नाउन कहते हैं। ठीक है ना, तो इस दुनिया में अगर पर्सन की जगह पे आप एनिमल का भी नाम लेते हैं, प्लेस और थिंग्स के अलावा अगर आप एनिमल का नाम, फ्रूट का नाम, बर्ड्स का नाम, ठीक है, किसी की क्वालिटी का नाम, मतलब दुनिया में कोई भी चीज है, पूरे और वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं, अगर किसी भी चीज का अगर सिर्फ आप नाम ले रहे हैं तो वो नाम ही नाउन होता है। ठीक है ना, और नाउन को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ेंगे नाउन के चैप्टर में। अब जरा सा आ जाता हूं प्रोनाउन पे। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन होता है नाउन के ही जगह पे यूज करने वाले वर्ड्स। ठीक है ना, जहां पे नाउन आता है उसके जगह पे हम कुछ और भी वर्ड्स रखते हैं। और ये प्रोनाउन आता क्यों है, इस बात को जान लीजिए कि एक ही सेंटेंस में बार बार किसी व्यक्ति का नाम रिपीट करने में थोड़ा सा अजीब लगता है। ठीक है ना, तो उसी को बेहतर बनाने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक है ना, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं, एडिस कर देता हूं इसको। इसका डेफिनेशन है प्रोनाउन का, दोज वर्ड्स विच यूज एट प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के जगह पे ही प्रयोग किए जाने वाले वर्ड नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, सॉरी ये सही है, those words which use at place of noun, जो कि नाउन की जगह पे ही यूज किए जाते हैं वो होते हैं हमारे प्रोनाउन। जैसे कि ही, शी, इट, दे, यू, इटीसी एक्सेट्रा। तो ये जो होते हैं ये किसी नाम के पहले ही आते हैं। जैसे कि मैं एक नाम लिखता हूं यहां पे, राम, तो राम नाम है ना, तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, यानी कि नाउन ही नाम होता है। और नाउन की जगह पे अगर इनमें से हम लिखते हैं वह, तुम, तो अगर मान लीजिए राम के लिए मैंने लिख दिया यू, तो ये यू यहीं पे क्या होगा, प्रोनाउन, क्योंकि नाउन की जगह पे ही तो मैंने यू लिखा है ना। अगर मैंने मिला कि राम गोज टू मार्केट और मैं लिखता हूं यू गो टू मार्केट, राम से कहता हूं राम मार्केट जाता है, फिर कहता हूं कि तुम मार्केट जाते हो, मैं राम से ही कहता हूं, तो अगर मैं राम से ही कहता हूं तो यहां पे राम क्या हो, यू क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। अगर मान लीजिए कि मैं राम के लिए यू ना लगा करके ही लगाता हूं, ही गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट, राम मार्केट जाता है, उसके लिए मैंने लगा दिया राम को ना बोल करके वह मार्केट जाता है, तो वह मैंने इंडिकेट किसको किया, राम को ही ना। तो यहां पे राम अगर मैं नाम लिया तो वो नाउन, और अगर उसकी जगह पे मैंने किसी और वर्ड को यूज किया तो वो होगा प्रोनाउन। अभी मेरी बात कंप्लीट समझ में आई होगी उम्मीद करता हूं। अब जरा सा एडजेक्टिव की बात करते हैं। एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। नाउन और प्रोनाउन को स्पेसिफाई करने वाला वर्ड ही एडजेक्टिव होता है। जरा सा इसको समझते हैं, एडिस करता हूं इस बात को। दोज वर्ड्स विच
स्पेसिफाई नाउन और अ प्रोनाउन, विच स्पेसिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी कि वे शब्द जो किसी नाउन और प्रोनाउन को स्पेसिफाई करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं. वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव. जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, यू आर अ गुड बॉय. अब यहां पे ये बॉय क्या है? बॉय आप कहेंगे कि सर ये एक नाउन है, ठीक है. तो जब ये नाउन है तो ये इसकी विशेषता क्या बताया जा रहा है? इसकी विशेषता इसके पहले आया हुआ वर्ड क्या बता रहा है? गुड. गुड क्या बता रहा है? कि ये लड़का जो है ना वो बहुत ही गुड है, अच्छा है. इस लड़के की विशेषता क्या हुआ? गुड. तो मैंने आपको यही बताया ना कि नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड ही एडजेक्टिव है, ठीक है ना. तो यहां पे ये गुड क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है. उम्मीद करता हूं समझा पाया होगा आपको एडजेक्टिव को भी. एडजेक्टिव फ्रेज जो कि प्रीपोजिशन और एडवर्ब से मिलकर के बनते हैं, उस चीज को यहीं पे छोड़ा जाए, उसको आगे देख लेंगे. एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है? कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता तो एडजेक्टिव बता देता है. तो भाई अब एडवर्ब भी तो विशेषता बताता ही है, लेकिन किसकी बताता है? तो इन दोनों को छोड़ दीजिए. अब नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर के बाकी सबकी विशेषता यही बताता है, ठीक है ना. अब एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा? तो एडवर्ब ही बताएगा. अब आर्टिकल, आर्टिकल आपको मैं किसी वीडियो में पढ़ा दूंगा. आर्टिकल का एक अलग से वीडियो बनेगा, उसमें तीन ही होते हैं आर्टिकल, ए एंड द, जिनका एक नया नाम भी आता है डिटरमिनर, ठीक है. डिटरमिनर में और भी कई होते हैं लेकिन आर्टिकल सिर्फ तीन होते हैं.